बोल बंसी वारे की जय, बोलो बंसी वारे की नगरी की जय। आप कर रहे हैं नजारा बंसी वारे की नगरी का, श्री कृष्ण नगरी मथुरा। आज देखिए कैसी लगरी, और यहाँ का चौक बाजार का चौराहा कैसा लग रहा। ऐसा लग रहा जैसे इस मथुरा वृंदावन नगर निगम दादी सफाई कोई ना है रही। यहाँ पे मंदिर रहते साथे कितनी गंदगी है, चौक में कोई सफाई कर्मचारी सफाई ना कर रहा। यहाँ पे लो दाऊ जी मंदिर है। लो आज ये समझ लो कि अगर दाऊ बाबा के जयकारे से पहले अगर कछु आए गए होए तो वो बड़ो है, और बापे ध्यान दिए जावे की जरूरत है। ये डेली डेली चौक के चौराहे पे ऐसी गंदगी अच्छी ना लगे। दाऊ बाबा की जय बोल दो। जय दाऊ बाबा की। जय हो रेवती मैया की। जय कौन बोलेगा जी बताओ तुम, अगर तुमने दाऊ बाबा की बोली तो हम बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, जय बोलेंगे। जय हो। देखो जज साहब, अब तो तुम्हें कोई जजमेंट सुनाना पड़ेगा या चौक बाजार के चौराहे पे ऐसो नहीं चलेगो जी। देखो गंदो नहीं चलेगो चौरायो। ये देखो ये कौन है बोरायो बताओ। क्या बता, दिख रहे हैं भालक लग रही है जी। प्रदेश यारा हर कुछ वो करता है। द्वारकानाथ का ये रास्ता है, मुख्य चौराहा है द्वारकानाथ की ओर जाने वाले मार्ग का। और है घर हमने जाके आदमी गंदी में था, मथुरा गए था, सफाई नहीं है। और हमने आपसे बंदरी कही थी, बंदरों ने हमारे बेटे की बहू फेंक दिया, हाथ टूट गया। अस्पताल गए शनिवार को, दोनों प्लास्टर भी चढ़ाया। कल छुट्टी रहेगी, परसों आना, मतलब हार टूटा जाएंगे परसों। कोई कुछ देखने वाला नहीं है, चल रही है बस, चल रही है बस। ये देख लो ये नगरी चल रही है बस, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई कराने वाला नहीं है। और राधे राधे यहाँ पर होती रहती है। राशन वाला बहुत परेशान कर रहा है। हैं, राशन वाला बहुत परेशान कर रहा है। दो जगह बढ़ रहा है, हमारा राशन वाला परेशान कर रहा है। आपका राशन वाला कौन सा है? कुशक गली वाला। कुशक गली वाला कौन सा है, क्या नाम है उसका? मीनू। अब तो राशन वालों का कमीशन भी बढ़ा दिया है योगी जी ने। कहो बाबा देखो इन राशन वाले ने, देखो बाबा, बाबा देखो है। यूपी में बाबा हो गया है, बाबा हो गया है। अब देख लो आप तो हो गए हो, अब जनता को भी हो जाने दो, और बंसीवारे की जय आने दो। बोल दो बंसीवारे की जय। ये देखो आज की छोटी सी चाय पर चर्चा आपने देखी सुनी, और इसमें बहुत कुछ आज आ गया है, और इतना कुछ आ गया है कि सब कुछ समा गया है इसमें। अगर आपको ध्यान धरना हो तो धर लो, कुछ करना हो तो कर लो। मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो, जय हो। और ये देखो गाड़ी वाले भी देख रहे हैं चाय पर चर्चा, और पैदल राहगीर भी देख रहे हैं चाय पर चर्चा, क्योंकि इस पर नहीं आता है कोई खर्चा, और आखिर में लगता है कि कुछ बचा। और आज क्या बचा? आज ये बचा कि मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरी का भजन कर ले। और क्या कहें, कुछ नहीं कहने में ही सार है, क्योंकि ये कहा गया है पवन परीक्षा में, सब तज हरी भज। अब आप समझ लो इशारा क्या करके गई है गुरु पूर्णिमा की पवन परीक्षा। पवन देकर गई है संदेश
कि वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब तज हरी भज, ये संदेश देकर गई है इस बार की पवन परीक्षा। तो बोल दो बंसी वारे की जय, राधा रानी की जय, और आज की चाय की चर्चा की जय, सद्भावना पुलिस चौकी की जय, जय जय की जय, जय हो। और बोल दो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय की जय। लो जय जय की जय, जय जय की जय, जय जय की जय, मेरी मैया की जय, जय जय मेरे बाबा, जय 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 मेरे बाबा, जय जय मेरे बाबा। देखो यहां पे सूर्य नारायण फिर आ गए, देख लो सूर्य नारायण, अब तुम खुद देख लो, हम तुमसे कहना रहे हैं।